हेलो दोस्तों, आज मैं शेयर करने वाला हूं एक नई वैकेंसी के बारे में जो है IDBI बैंक में, जिसमें आपको बैंक ने एक कोर्स ऑफर किया है जो कोर्स का नाम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। जो कोर्स है 1 ईयर का कोर्स है आपका, 9 मंथ का आपका क्लासरूम स्टडीज़ है और 3 मंथ का आपका इंटर्नशिप है IDBI बैंक में, ठीक है। जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो कोर्स के कंप्लीट होने के बाद आपका जो पोस्ट होगा IDBI बैंक में असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए का पोस्ट मिलेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। यह जो कोर्स प्रोवाइड होगा आपको साउथर्न और वेस्टर्न जोन में, नॉर्थर्न और ईस्टर्न जोन में दिया जाएगा। तो जो जो कैंडिडेट इस कोर्स को अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो जो कैंडिडेट साउथर्न वेस्टर्न जोन से हैं तो अपना देख सकते हैं, और जो भी कैंडिडेट नॉर्थर्न और ईस्टर्न जोन से बिलोंग करते हो यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी है, अब उसके बारे में बात करते हैं, तो जिसमें क्वालिफिकेशन दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट पास किया, ठीक है, मिनिमम 60% मार्क्स और 50% मार्क्स फॉर SC ST PWD। एज की बात करते हैं तो आपका जो एज होना चाहिए 1 जुलाई 2021 तक, ठीक है, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 28 होना चाहिए। एग्ज़ाम की बात करें तो 4 सितंबर को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। नंबर ऑफ सीट की बात करें तो जो असिस्टेंट मैनेजर का जो पोस्ट है, नंबर ऑफ सीट वो 650 है, ठीक है, जिसको कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो जो भी SC ST से बिलोंग करते हैं उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो अदर बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं उनको 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, पर्सन विथ डिजेबिलिटी है उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एक्स सर्विस मैन को 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और जो भी पर्सन अफेक्टेड है 1984 दंगा से उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बात करते हैं फ़ी के बारे में, तो जो SC ST PWD के कैंडिडेट हैं उनको 200 रुपये लिया जाएगा, और जनरल OBC और EWS के लिए 1000 फ़ी लिया जाएगा, प्लस आपका बैंक चार्ज इंक्लूड रहेगा। आपका जो स्टार्टिंग डेट है भरने का 10 अगस्त से स्टार्ट हो गया है, और यह जो डेट कब तक चलेगा, 22 अगस्त तक चलेगा। तो बिफोर डेट एंडिंग आप इस फॉर्म को भर दें, ठीक है, अगर आप भरना चाहते हैं तो। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम में आपका रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, मैथ और जनरल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस से पूछा जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग का होगा 60, लैंग्वेज का होगा 40, मैथ का होगा 40 और बैंकिंग से रिलेटेड आपका 60 होगा। मार्क्स भी आपका सेम होगा और आपका ड्यूरेशन दिया जाएगा 2 आवर का। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा 0.25। जो भी कैंडिडेट इस प्रोग्राम में यानी इस कोर्स में जो बैंक IDBI के द्वारा ऑफर किया जा रहा वन ईयर का, जिस कोर्स का नाम था पोस्ट ग्रेजुएशन इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, जिसका जो कोर्स फी है वो 3,50,000 प्लस GST लिया जाएगा, ठीक है, जो 1 ईयर का प्रोग्राम है। अगर जो कैंडिडेट इस फी को अगर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए बैंक के द्वारा लोन का सुविधा दिया गया है, यानी ये जो 3,50,000 रुपीज़ लिया जाएगा बैंक के द्वारा, इसमें आपके एजुकेशन के साथ साथ रहने खाने का भी फी इंक्लूड है। कैरियर प्रोस्पेक्टस क्या है, तो आपका ड्यूरिंग द स्टाइपेंड कब दिया जाएगा, 9 मंथ का जो आप स्टडी करेंगे उसके दौरान आपको 2500 रुपया स्टाइपेंड दिया जाएगा पर मंथ, और जब आप बैंक में 3 मंथ का जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेंगे उसमें आपको 10,000 पर मंथ दिया जाएगा। आफ्टर कंप्लीशन कोर्स, ठीक है, जब भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन 1 ईयर का बैंकिंग एंड फाइनेंस में कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए का पोस्ट पर बहाली किया जाएगा ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। उस समय आपको 36,000 पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है,
और आपको जो भी अलाउंस वगैरह है, प्रोक्यूजिट वगैरह, वो भी आपको दिया जाएगा। अब देखते हैं अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग। जब भी आपको असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, तो पहले आपको 1 ईयर के लिए अपॉइंट किया जाएगा, उसके बाद आपको धीरे धीरे एक्सटेंड किया जाएगा। अब बात करते हैं सर्विस बॉन्ड के बारे में। जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो 1 साल कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब भी कैंडिडेट असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर अगर ज्वाइनिंग होते हैं, ठीक है, तो उनको मिनिमम 3 ईयर्स का IDBI बैंक के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा, जिसका प्राइस है 2 लाख, ठीक है, और उनको या 2 लाख रुपया प्लस GST कैंडिडेट को बैंक को देना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई भी कैंडिडेट 3 साल से पहले इस जॉब को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उनको क्या क्या करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग जो लोन है, ठीक है, जो लोन लिए थे बैंक से, ठीक है, एजुकेशन के लिए, उसको चुकाना पड़ेगा, और ये 2 लाख तो ऑलरेडी आपका ले चुका है, ठीक है, तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, उसको भरने से पहले एक बार इस फॉर्म को, यानी जो भी नोटिफिकेशन दिया गया है बैंक के द्वारा कोर्स प्लस कॉन्ट्रैक्ट जॉब के बारे में, उसको एक बार रीड आउट अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन क्लिक करें, ताकि जॉब्स रिलेटेड जो वीडियो है आपको मिलती रहे।